Hi everyone, Dr. Lisha Roy this side and welcome to my channel. So today we are gonna discuss that कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है. Yes, आपने बिल्कुल सही सुना, नमक जो कि आपके किचन में मिलता है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके किचन में मिलता है और वो आप अपने डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये आपको पूरी तरीके से तो ठीक नहीं कर पाएगा, पर ये आपको ज़रूर एक प्रोग्रेशन में ले जाएगा जिसमें आप अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और आपके टीथ को ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा. तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों के टॉप 5 पॉइंट्स जो कि आपके किचन में होने के बावजूद भी आपको ये नहीं पता है कि वो आपके मेडिसिंस हैं और आपके टीथ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. सबसे पहले आपका ऑयल पुलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, आप अपने टीथ में ऑयल पुलिंग कर सकते हैं. मतलब कि रात में जब आप ब्रश करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा ऑयल लेकर के अगर आप कुल्ला करते हैं या फिर ऑयल पुलिंग करते हैं तो ये आपके गम्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. ये आपके गम्स को पिंक ही नहीं बल्कि उसके ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रखता है. मेरा सेकेंड पॉइंट आपके लिए ये है क्लोव. हम लोग को ये तो पता है कि दांत के दर्द जब होता है तब हम लोगों को दांत के बीच में अगर हम लोग लौंग यानी कि क्लोव रखते हैं तो आपके दर्द में थोड़ा सा आराम या थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलता है. यही क्लोव को आप सिर्फ दर्द में ही नहीं, आप नॉर्मली भी अगर यूज़ करेंगे तो इट वर्क एज एन माउथ फ्रेशनर एज वेल एज ये आपके टीथ के केरीज के एसिडिक मीडियम को ख़त्म करके वो एल्कलाइन मीडियम में लेके जाते हैं जिससे आपके दांत की जो सरन की जो प्रोसेस है उसमें एक रुकावट या फिर एक स्टोन की तरह काम करते हैं जो आपके दांत के केरीज को बचाते हैं. मेरा थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि आप जब रात में सोते हैं और सुबह जब आप उठते हैं तो आप ज़रूर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको फूल स्मेलिंग आता है. तो इसको बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि रात में गर्म पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल के अगर आप कुल्ला करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है. अब कोई भी डेंटिस्ट आपको ये ज़रूर बोलता है कोई भी एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर हुआ है या कोई भी आपके पस जम गया है या इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला कीजिए. तो सोचिए ये कितना ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, ठीक है. जबकि नमक का इतना भी आपका कॉस्ट नहीं है कि आप उसको नहीं एज अ गार्गिल मटेरियल उसको आप यूज़ कर सकते हैं. मेरा फोर्थ पॉइंट आपके लिए ये है कि आप नीम के जो स्टेम्स होते हैं पतले पतले उसको आप यूज़ कीजिए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं दातुन. दातुन अगर आप यूज़ करते हैं तो वो एज एन एंटीसेप्टिक होता है आपके दांत के लिए, एंटी बैक्टीरियल भी होता है. मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ, आपका अगर कहीं पे कट जाता है स्किन में तो आपके घर में ज़रूर हल्दी यूज़ करते हैं. तो माउथ में अगर अल्सर हो जाए, माउथ में अगर कुछ हो जाए तो आप वहाँ पे नीम का पेस्ट या नीम की दातुन भी आप यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा मैं ये बात आपको बहुत अच्छे से बोलना चाहती हूँ और ये सबसे और बोनस पॉइंट रहेगा इस वीडियो के लिए. आपको अगर ये लगता है कि महंगा ब्रश और महंगे टूथपेस्ट यूज़ करने से आपका दांत ठीक रहेगा तो आप बिल्कुल गलत है. तभी आप उसको ठीक कर सकते हैं जब आप ढेर सारा वेजिटेबल्स एंड ढेर सारा फ्रूट्स खाएं, जिससे क्या होता है उसमें होता है आपके फाइबर जो आपके दांत में कैलकुलस या फिर प्लाक को डिपॉजिट होने ही नहीं देता है. तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो भी आप खाएं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाने की कोशिश कीजिए ताकि आपका टीथ बहुत ही ज़्यादा शाइन, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एज वेल एज इन सारे होम रेमेडीज से आपके दांत में एकदम भी केरीज ना हो. मुझे पता है इस वीडियो को सुनने के बाद बहुत सारे डेंटिस्ट अपसेट होने वाले हैं क्योंकि उनके पास पेशेंट्स आना कम हो जाएगा. थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद डॉक्टर लीशा रॉय. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम.